हेलो रखू माई चैनल आज चैनल बॉलीवुड कॉर्नर। तो भाई लोग भेड़िया आ गया है। भेड़िया तो आए, मैं आज भेड़िया देखने गया था तो मैं रिव्यू तो नहीं कर पाया ना। मैं रिव्यू कर रहा हूँ, मैं थेरीज एंड प्रैक्टिकल पर बात करने वाला हूँ अभी। तो ब्लॉग तो आएगा ही आएगा आर लॉक पर थिएटर विजिट का, और बाकी VFX10 मेरा जो एनिमेशन चैनल है वहाँ पे भी भेड़िया का एक एनिमे आ गया है, तो उसे जाके सब्सक्राइब कर लो एंड वो एनिमे भी देख लेना। बाकी मैं भेड़िया की बात करूँ ना तो मैं सीधा इसके एंड में जाता हूँ, जिसका एंड में जो क्रेडिट सीन था ना, जिसके अंदर हमें स्त्री यूनिवर्स की कनेक्शन दिखाया है, यानी कि इस फिल्म के अंदर जो वरुण धवन का भाई दिखाया है जना, वो स्त्री के साथ, यानी कि जो राजकुमार राव की जो फिल्म है ना स्त्री, उसके साथ कनेक्ट थी। तो ये एंड में ऑफिशियल हुआ क्योंकि राजकुमार राव खुद इस फिल्म के अंदर आए थे, तो एंड के अंदर वो अपनी जना को लेने आए थे एंड स्त्री टू की भी हिंट देके गए। वो राजकुमार राव यानी कि राजकुमार राव इस फिल्म स्त्री टू में स्त्री को ढूंढेंगे, यानी कि श्रद्धा कपूर को ढूंढेंगे। एंड सबको पता है कि जना को स्त्री ने हावी कर लिया था, कब्जा कर लिया था। तो जना के अंदर स्त्री के कुछ सिम्टम्स है, यानी कि वो शायद से स्त्री के साथ कनेक्ट में है ऐसा कुछ। तो राजकुमार राव चाहते कि जना कनेक्ट करे स्त्री के साथ और वो ढूंढे श्रद्धा कपूर को, और तभी उन्हें वरुण धवन का भेड़िया भी दिखता है। तो स्त्री यूनिवर्स तो कनेक्ट है पूरा 100%, बट रूही यूनिवर्स कैसे कनेक्ट होगा क्योंकि रूही में भी राजकुमार राव है, तो ये थोड़ा डिफिकल्ट लगता है। मुझे लगता है रूही यूनिवर्स में से सिर्फ रूही को ही लेंगे, बाकी जो लव ट्रायंगल जो कुछ था ना रूही यूनिवर्स में, राजकुमार राव वरुण वो उन दोनों को नहीं लेंगे, सिर्फ रूही के कैरेक्टर को लेंगे। तो यहाँ पे तो स्त्री एंड भेड़िया का मिला हो चुका है, रूही का नहीं। अब आगे जाके जब स्त्री टू बनेगी तब शायद से रूही एंड स्त्री का कनेक्शन हमें देखने को मिलेगा। तो फिल्म देखने के बाद जो सारा कंक्लूजन निकला है ना, वो आगे जाके आई थिंक स्त्री टू में हमें देखने को मिलेगा, बाकी तीनों का कोलैब। आई थिंक मुझे लगता है वरुण धवन का भेड़िया भी चेंज होने वाला है, यानी कि शायद से वरुण धवन अभी ऐसे जानवर की तरह भेड़िया नहीं, एक्चुअल जो इंसान और भेड़िया का मिक्सचर होता है ना, वो शायद हमें आगे जाके देखने को मिल जाए। ऑनेस्टली भेड़िया मूवी काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी अच्छी है। मैं हम इसे स्त्री के साथ कनेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि स्त्री काफ़ी कॉमेडी वे में गई थी एंड भेड़िया एक हॉरर कॉमेडी वे में, हमें इसमें ब्रूटल मर्डर्स दिखे सीधे सीधे। वरुण धवन ने भेड़िया बनने के बाद ऑलमोस्ट दो लोगों को जान से मार दिया, और इसके अंदर और एक भेड़िया है तो उसने भी एक को मारा है, तो तीन मर्डर्स हुए इसके अंदर। और बाकी जो एंड में केओस मचता है ना, उसके अंदर कितनों को मारे कुछ आइडिया है ही नहीं कि किसकी जान गई किसकी नहीं। इसके अंदर जो जंगल वाला सीन है वो बहुत बढ़िया था, बवाल। बाकी इसके अंदर ठुमकेश्वरी गाना कट किया है। इसके अंदर आई थिंक फिल्म ख़त्म होने से 10-15 मिनट एक पूरा भेड़िया के ऊपर सेशन है, जिसके अंदर कोई इंसान नहीं देखने को मिलता, सिर्फ भेड़िया ही भेड़िया। तो वो काफ़ी अच्छा था, काफ़ी अच्छा लगा। बाकी गाने भी ठीक है फिल्म के, मुझे भेड़िया पसंद आई। अगर आप फिल्म देखने जा रहे हो तो 3D में नहीं देखोगे तब भी चलेगा, 2D में भी फिल्म बहुत अच्छी लगेगी। मैंने 3D में देखी इसलिए बोल रहा हूँ, 3D एलिमेंट्स ज़्यादा है नहीं। बाकी मैं वरुण धवन और राजकुमार राव को एक साथ देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। आप हो कि नहीं बता रहा मुझे भेड़िया के ऊपर, और भी डिटेल वीडियो आएंगी आगे जाके, बहुत सारी थियरीज बनेंगी। बाकी मेरे आज स्टार के ऊपर कुछ सरप्राइज आने वाला है, जिसकी अनाउंसमेंट मैंने आर व्लॉग में किए, तो रोड साइड स्टार को जाके सब्सक्राइब कर लो। बाकी हमारा भेड़िया एनिमेशन भी आ चुका है VFX10 पे, उसे जाके सब्सक्राइब करो, इसको जल्दी से जल्दी 500 सब्सक्राइबर तक पहुंचाओ। बाकी मैं मिलता अगली वीडियो में, बाय बाय और जय हिंद।